हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज का व्लॉग अपने रूम से शुरू करते हैं। तो कुछ यूं सही है हमारे रूम का कि आप चेक करें कि आजकल के दिनों में रूम का क्या हाल होता है। उठते भी लेट हैं और सोते भी लेट हैं, तो फिर दिल ही नहीं करता कि जो है ना रज़ाई वगैरह का उठा लें बेड से, तो फिर दोबारा से तय करके लगा दें। भाई तो बाहर निकल गए कुछ लेने के लिए, तो ये उन दोनों के बेड है। मैंने कहा आपको दिखा दूँगा, हर एक चीज़ वैसी ही पड़ी हुई है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आपको अपना बेड भी दिखाऊंगा कि मेरे बेड पे भी वही हाल है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, इसमें इतना वो नहीं है। तो अभी वो दोनों मेरे ख्याल से कुछ लेने की हैं बाहर, तो अभी तो मैं मशीन में डालूंगा कपड़े धोने के लिए। तो चलें वो मैं डालता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। जी गाइस, तो जैसा आपने देखा कपड़े हमने मशीन में डाल दिए हैं, तो लिक्विड और सर्फ भी मिक्स कर दिए और साथ उसको ना उसकी एडजस्टमेंट क्विक पे कर दी ताकि जल्दी से जल्दी वो वॉश करके और स्पिन कर दे। तो अभी सीन कुछ ये है कि जो भाई हैं वो बाहर से वापस आ गए हैं। तो आपको पता है कि शॉप क्लोज होने की वजह से बार्बर शॉप जो क्लोज हैं, तो एक भाई की आज कटिंग करनी है, तो देखते हैं कैसी होती है। तो आप इंजॉय करें, चेक करें। भाई हावर, आप तो प्रोफेशनल हैं यार, किधर से आप पहले से तो कमेंट करें नहीं बार्बर एट होम। भाई आपको कैसा लग रहा है बाल कटवा रहे? बहुत अच्छा। जी तो ये देखें, कटिंग मुकम्मल हो चुकी है भाई की। आपको कटिंग एक दफा दिखा दें, अब आपने बताना है कि भाई के कैसे बाल काटने के हुए हैं। ये देखें, ये हमारे बार्बर थे, इन्होंने बाल काटे हैं। तो फ्यूचर में होप इनको हम शॉप डाल के देंगे पुर्तगाल में, कि यहाँ जो है ना बार्बर की शॉप डालें। तो भाई आप खुश हो? जी बहुत खुश हूँ। पक्की बात है? पक्की बात है सर जी। प्यारे लग रहे हो भाई ने, अच्छे आपके बाल काटे हैं। तो आप सच्ची सच्ची बताना बाल कैसे कटने हुए हैं। मेरी तो हंसी नहीं रुकी, मैं अंदर आ गया हंस रहा हूँ। बाल बिल्कुल खराब हो गए। आज एक और सरप्राइज है, आज हमारे बड़े भाई की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज वो भी सेलिब्रेट करेंगे। जी गाइस, तो ये हमारे हावर भाई हैं। हावर भाई, सबसे पहले आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, थैंक यू। आपको बहुत मुबारक हो। तो हम आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी अपने घर से दूर हैं, सब हम दूर हैं, तो हम एक फैमिली की तरह ही रह रहे हैं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत हैप्पी एनिवर्सरी, और अभी हम केक काटेंगे और भाई को केक खिलाएंगे। ये थी आज की स्टोरी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।